दोस्तों से क्या कुछ फिल्मों का तो माहौल ही ऐसा होता है कि इनके आसपास आने वाली फिल्में जिनकी क्यों वाट लग जाती है, और जैसे कि आप कुछ ऐसे ही होता हुआ दिख सकता है फिल्म ड्रीम गर्ल 2 के साथ। जी हाँ, तो इन दिनों बॉलीवुड में बड़े स्टारों की फिल्मों को लेकर ही काफ़ी ज़्यादा अटकलें रहती है। तो इसमें छोटे बजट वाली फिल्मों के बारे में तो क्या कहा जाए। और जैसे कि इसी बीच देखने को मिल रहा है कि फिल्म गदर 2 जो कि अपनी गड्डी लेकर थिएटर्स में एकदम सरपट दौड़ रही है, और यह फिल्म रिलीज़ के 2 वीक बाद भी फिल्म बिल्कुल भी धीमी नहीं पड़ी है। तो ऐसे में फिल्म ड्रीम गर्ल 2 का 25 अगस्त को आना जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है आयुष्मान खुराना के लिए ही। जैसे यहाँ गदर 2 को बिल्कुल भी शायद फ़र्क न पड़े ड्रीम गर्ल 2 के आने से। और इसमें जहाँ एक तरफ ड्रीम गर्ल 2 जो कि ऐसी शानदार फिल्म हो सकती है जो कि अब बिना किसी क्लेश के रिलीज़ होए, तो ये फिल्म 100 करोड़ क्लब में आराम से पहुँच जाए। जैसे यहाँ फिल्म का ट्रेलर जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा था, और यहाँ तक कि फिल्म के सॉन्ग्स भी अच्छे खासे रहे, तो इसमें इस फिल्म का थिएटर्स में चलना जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल दिख ही रहा है। लेकिन जैसे कि अब देखने को मिल रहा है कि फिल्म गदर 2 इतनी ज़्यादा शानदार जा रही है, और इस बीच ड्रीम गर्ल 2 का चलना जो कि अच्छा खासा मुश्किल रहेगा, क्योंकि यहाँ पहले ही अक्षय कुमार की फिल्म यानी कि OMG 2 भी सिनेमाघरों में चल रही है, और वहीं दूसरी तरफ गदर 2, और यहाँ पर आगे फिल्म जवान भी हमें देखने को मिलेगी। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।